नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बनने का कोई रीजन है। तो इसके मुताबिक अपना रीजन बनाने में ढूंढने में वो अपना काम करते थे, कोई रोका है क्या? फिर अवसर के हिसाब से गठबंधन साच को आज किस बात की है? और हम लोग पूरे पवित्र मन से हम लोगों ने काम किया है तो हम लोग डरते नहीं। नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनमत को जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है, तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बनने का कोई रीजन है। तो इसके मुताबिक अपना रीजन बनाने में ढूंढने में वो अपना काम करते थे, कोई रोका है क्या? साच को आज किस बात की है? और हम लोग पूरे पवित्र मन से हम लोगों ने काम किया है तो हम लोग डरते नहीं। पार्टी को लगातार समर्थन प्यार आशीर्वाद देने का काम किया और लगातार बिहार में दो चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने मालिकों के समक्ष अपनी बात को तो आप रखेंगे लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे और आगे सब कुछ जो होगा बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिलकर के जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है जो 17 साल में नहीं हुआ है उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनमत को जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है, तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। नहीं, अपने क्षमता के मुताबिक हमने बस 10% ही काम किया है, ये कल बात भी हमने कही। क्योंकि आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए कई काम जो ऐसे थे जिसको जो है रोकने का काम किया गया जो अब तक पूरा नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि जो काम जो स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां हैं जिसको पब्लिक हेल्थ केंडर हम लोगों ने कई बार जो है कैबिनेट बढ़ाया उसके साथ साथ अलग डिपार्टमेंट में जो है नौकरियों की जो बात की वही लोग जो कहते थे असंभव है उनसे नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो ये सिलसिला जो है जारी रखे, लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, ये क्योंकि मेरा मानना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे आप बात करते हैं 17 महीने के काम की, नहीं ये सब उनका काम है। हमने पहले क्या बोला